अमरोहा के सोहरा का गौशाला में गाय के भूखे प्यासे रहने से गाय की मौतें हो रही हैं, जिनको रात के अंधेरे में दफनाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वीडियो शेयर किया और अब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन में एक लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल रिपोर्ट लगाने के आवज में 150 से 200 रुपए रिश्वत ले रहा है। वहीं फरियादी लेखपाल को रिश्वत देने के बाद काम कराने के लिए पैर छूता भी नजर आ रहा है। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में राम लक्ष्मण मार्ग पर बी सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिससे राहगीर बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगभग 5 महीनों से बी सड़क में गड्ढा बना हुआ है और कई बार राहगीर गड्ढे की चपेट में आने से गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारी आते हैं और ब्यौरा लेने के बाद चले जाते हैं, अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्राम प्रधानों ने आज अध्यक्ष संजय वलिया के नेतृत्व में जिले में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांगों का एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही जिले में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर लगाम नहीं लगाई गई तो संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन को बाध्य होगा। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने गुरुवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मास्टर प्लान के तहत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों में मानव संसाधन बढ़ाते हुए प्लानिंग के साथ निर्माण कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में मासिक अपराध समीक्षा बैठक ली और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने पर जोर दिया, साथ ही 33 पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य करने पर मैन ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने व चारधाम यात्रा में दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली और जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों को आवास उपलब्ध कराए जाने, एक ही पर्ची सिस्टम लागू करने के साथ ही कई अन्य घोषणाएं की। महाराजपुर थाना क्षेत्र के गोरिया गांव में एक युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा तो उसने खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक शिवपाल के पिता राजेंद्र ने क्षेत्रीय पुलिस और एक अन्य युवक पर बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कासगंज जिले में 2 दिन पहले ई रिक्शा संचालकों ने कासगंज डीएम और एसपी से लिखित रूप से दबंगों की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज ई रिक्शा संचालकों को भुगतना पड़ा। जब वो श्याम बारा घाट पर तीर्थ यात्रियों को छोड़ने आया तो वहां मौजूद दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे ई रिक्शा संचालक घायल हो गया, जिसके बाद सभी ई रिक्शा संचालकों ने घायल को एसपी ऑफिस ले जाकर न्याय की गुहार लगाई। सहारनपुर में घर पर सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे घर का सामान सारा जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। यूपी सरकार के कारागार मंत्री आज उन्नाव दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यूपी की जेलों में बंद कैदियों व बंदियों के लिए इंडोर गेम की व्यवस्था होगी। कैदियों व बंदियों के लिए जिम, कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ शिक्षा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरठ में एनएसजी कमांडो के भाई के साथ मारपीट की गई। अपने भाई को न्याय दिलाने और आरोपियों को सजा दिलाने एनएसजी कमांडो चेन्नई से छुट्टी लेकर मेरठ पहुंचा और मेरठ पहुंचते ही उन्हें अपने भाई के आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पीड़ित कमांडो एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, भाई गंभीर हालत में पड़ा है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है।